हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। बात करेंगे बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे बैड न्यूज़ है, ठीक है। और साथ में आपको अब जॉइनिंग क्यों नहीं लोगों को यहाँ पे दे रहा है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताने वाला हूँ कि बैड न्यूज़ क्या है और जॉइनिंग अभी क्यों नहीं लोगों को दे रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्या बेड न्यूज। तो फ्रेंड्स आप इस लेटर को देख सकते हैं यहाँ से। तो ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कार्यपालन निदेशक संजय कुमार सिन्हा है, ठीक है। क्या जो है सेवा में प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वेटर भवन। विषय में क्या फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, बेल्टॉन द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में प्रतिनियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा वापस करने के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों इन लोगों को सेवा वापस किया गया है आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वहां से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बेल्टॉन के द्वारा वर्तमान में कुल 14 डाटा एंट्री ऑपरेटर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार प्रतिनियुक्ति प्रतिनियोजित है, जिनका विवरण निर्मित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिसका जिसका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल 14 यहाँ पे कैंडिडेट है। उसके बाद नीचे में क्या फ्रेंड्स विदित हो कि बेल्टॉन से प्रतिनियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा दिनांक 30/6/2022 तक विस्तृत की गई थी, यानी 30/6/2022 को इन लोगों का सेवा समाप्त हो रहा था। उसके बाद इन लोगों का जो है सेवा बढ़ाया गया, सेवा का जो है वो बढ़ाया गया इन लोगों का, और दिनांक 1/7/2022 के प्रभाव से इनकी सेवा जो है बेल्टन को वापस की जाती है, ठीक है। तो इन लोगों का जो है सेवा समाप्त कर दिया गया, उसके बाद इन लोगों को बेल्टन में पैनल में वापस कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, उपरोक्त सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर सर्वथा कार्य योग्य है, ठीक है। समिति इनके उच्च भविष्य की कामना करती है। विभाग ने कहा है कि इनका कार्य योग्य है, ये किसी प्रकार का कोई इनके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। और इसके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दिनांक भी आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे में यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ने लायक है, आप पढ़ के सुना देता हूँ। उपयुक्त वर्णित सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को सूचना एवं अनुपालक प्रेरित करते हुए निर्देश है कि सभी प्रकार के परिवार आदि संबंधित प्रोत्साहन के कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश अनुसार हस्तगत कर ही मुख्यालय छोड़ेंगे, यानी कि इन लोगों को विभाग से अनुमति लेने के बाद ही विभाग को छोड़ने को कहा जा रहा है, ठीक है। लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रहा है, आपके मन में इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पंचायती राज विभाग से और नगर विकास में, ठीक है, दोनों में यहाँ पे जितने भी अधियाचना बेल्टॉन को जा चुकी है उस पर अभी यहाँ पे मैपिंग चल रहा है, ठीक है। मैपिंग करने के बाद बेल्टॉन को यहाँ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है तब आपको जो है बेल्टॉन इसमें ज्वाइनिंग देगी, ठीक है। बात करें तो LRC को लेकर अभी थोड़ा सा प्रोसेस जो अभी LRC में अभी बाकी है, यानी कि LRC का जो है मैपिंग कर लिया गया है और इसमें विभाग का जो है कंफर्मेशन लेटर आना बाकी है, ठीक है। लेटर कभी भी आ सकता है और आप लोग तैयार रह जाएं, ठीक है, तैयार रहें और LRC में ज्वाइनिंग देखने को आपको बहुत जल्द मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कभी भी LRC की तरफ से आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल सकता है, आप तैयार रहिएगा, आपको कभी भी उर्मिला से कॉल आ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा अपना फ़ोन ऑन रखें, आपको उर्मिला से कॉल कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको मन में जितने भी सवाल थे उसके मैंने जवाब दे दिए हैं। अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।